मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज हम नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिंग कंपाउंड्स, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड जिनका कोई फ्री एंड नहीं होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। और इसके बाद कुछ फंक्शन ग्रुप का आइडिया मैं यहां देने वाली हूं आप लोगों को। लेट्स सी, देखिएगा, यहां पे ईच एंड एवरी कॉर्नर इज जस्ट लाइक अ कार्बन। यहां पे एवरी कॉर्नर इज कंसीडर्ड एज कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। इट हैज टू, यहां पे दो बॉन्ड, इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2। इस तरीके से एक साइक्लो कंपाउंड बन गया, CH2 CH2 CH2, सिंगल बॉन्ड से। अब इसका नाम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्री एंड नहीं है, इसके बाद यूज करेंगे साइक्लो। एंड इट हैज थ्री कार्बन क्रॉप, और क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है साइक्लो प्रोपेन, इसलिए साइक्लो प्रोपेन। अब जैसे मैं ये वाली शेप ले लेती हूँ, दिस इज साइक्लो ब्यूटेन, इस तरीके से, ठीक है। साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है यहाँ पर, इट इज साइक्लोपेंटेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, छह कार्बन आ गए, तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा दूँ तो क्या होगा। देखिए, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन काम कर लेती हूँ, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। नाउ इट इज साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन, लाइक दिस, ठीक है। अब आप इनको बना लेंगे डबल बॉन्ड वाले, अब मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले सिखाती हूँ। यहाँ से एक को चेक चला गया और ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। नाउ इट्स नेम इज साइक्लोप्रोपाइन, दिस इज साइक्लोब्यूटाइन, लाइक दिस। आई हैव टेकन द ट्रिपल बॉन्ड हियर, दिस इज साइक्लोपेंटाइन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आप एम के बना लेंगे, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्कीन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, साइक्लो एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाले, साइक्लो एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, और साइक्लो एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर हम इन कंपाउंड्स में साइड चेन लगा सकते हैं तो इनका नेमिंग कैसे करेंगे। देखिएगा, अगर मैंने एक लाइन है ना, ठीक है, इस मीनिंग यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, और ये बॉन्ड है, इट मींस यहां पे एक कार्बन साइड है, तो इस नेम में भी 1-methyl साइक्लोप्रोपेन। अगर मैंने यहां ले लिया ऐसे, यानी कि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, इट मींस एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे कार्बन और ये बॉन्ड ऐसे ही हवा में लटक रहा, नहीं, यहां पे भी कार्बन है। इट मींस दो कार्बन साइड में है और यहां तीन कार्बन है। अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नाउ इट्स नेम विल बी साइक्लो, ये 1-methyl एंड तीन कार्बन साइक्लो प्रोपेन। अंडरस्टूड, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। इसका देख लेते हैं एक बार, यहां से नेमिंग चेन शुरू कीजिए। दिस इज 1, 2 एंड 3, 1 पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल लगा है, दिस इज 1-3-dimethyl साइक्लो ब्यूट एंड एन, ये साइक्लो ब्यूटेन था, और 1 पे और 3 पे डाय, दो मिथाइल लगे हुए, तो 1-3-dimethyl मिथाइल। जैसे ये है आपका 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि मिथाइल, यानी ये दो कार्बन साइड में है, और आपका ये अभी इसके हो जाएगा मिथाइल, 1-methyl साइक्लो ब्यूटेन। अब इस तरीके से कर दूंगा साइड चेन, यदि साइड चेन लेना तो क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, और ये साइड में हो गया आपका, ठीक है। जब यहाँ पे बीच वाले कार्बन से अटैच होता है, 1, 2, 3 कार्बन है, और बीच वाले से अटैच है, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो लगा के सीधा प्रोपाइल 1-propyl साइक्लोप्रोपेन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो दिस इज विल बी आइसो प्रोपाइल साइक्लोब्यूटीन, तब ये क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ ईन है, नहीं है तो नहीं है, एन लिखेंगे हम। अगर ये सीधी चेन है तो सीधा प्रोपाइल लिखेंगे, अगर कहीं से बीच से अटैच है तो आइसो बढ़ा जाएगा, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम दो साइक्लो कंपाउंड्स को एक साथ अटैच करते हैं तो कैसे उसकी नेमिंग करते हैं। देखिएगा, हम सीधी काउंटिंग तो कर नहीं सकते, एक साइक्लो ये है, एक साइक्लो ये है, तो एक को मेन मानेंगे और एक को सेकेंडरी मानेंगे, यानी एक को प्रिंसिपल और एक को साइड मानेंगे। चलो मैंने इसको प्रिंसिपल मान लिया, इसको साइड, तो इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लो प्रो, क्योंकि साइड से कहते हैं तो आयन साइक्लोप्रोपाइल, और इसका नाम क्या है, ये मेन चेन साइक्लोप्रोपेन। अंडरस्टूड बेटा, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है।
डबल बॉन्ड है उसका दोनों एंड चेन के अंदर आना चाहिए। नहीं नहीं यहाँ से वन टू, हम यहाँ से शुरू करेंगे वन टू एंड थ्री, इसको नंबर कम आना चाहिए। दिस इज वन टू एंड थ्री, ये हो गए थ्री साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि साइक्लो चेन मतलब साइड चेन की पोजिशन ही मैंशन करनी ना, तो दिस विल बी थ्री साइक्लोहेक्साइल एंड साइक्लोहेक्सीन, इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम लिखना है अपने को, तो हमने यहाँ से शुरू करें वन टू, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से हो जाएगा। यदि टू पे क्या बना हुआ इथाइल, दिस इज टू इथाइल साइक्लोहेक्स आइल, सॉरी साइक्लोहेक्स इन, अंडरस्टैंड, ये मेन चेन, ये साइड चेन, डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो हम डबल बॉन्ड की इस एंड से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टू पे क्या लगा है इथीन, सॉरी इथाइल, ये साइड चेन है तो आइल, इथाइल। अगर डबल बॉन्ड में यहाँ पे नाम रखिए डबल बॉन्ड यहाँ ले लेते हो, अब कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, प्रेफरेंस इसको मिलेगी, प्रेफरेंस इसको मिलेगी और ये साइड चेन हो जाएगा। अब दिस इज वन कार्बन, दिस इज टू कार्बन, यहाँ से चेंज करेंगे वन टू, यानी कि चेन में दोनों एंड्स आने चाहिए डबल बॉन्ड के, तो यहाँ से शुरू करेंगे वन टू, टू पे क्या लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, दिस इज टू साइक्लोहेक्साइल इथीन, ठीक है, प्रेफरेंस इसको मिलेगी डबल बॉन्ड को, भले ही वहां पे नंबर कम है कार्बन का, लेकिन अगर दोनों तरफ एन है मतलब दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड्स है तो आप प्रेफरेंस उसको देंगे जिधर कार्बन जाता है। इस तरीके से हम साइक्लो कंपाउंड से कुछ नेमिंग्स किए हैं, हमने आप इन सबको कर लेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप का मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूं। लेट्स सी दीज आर सम फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज COOH, आप फैमिलियर होंगे इससे, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हम नाम के पीछे जो सफिक्स लगाते हैं क्या यूज करते हैं ओइक एसिड, दिस इज एल्डिहाइड, अल वर्ड यूज करेंगे हम नाम के पीछे अल सफिक्स, कीटोन ओन वर्ड यूज करने वाले COOH2, अमाइड अमाइड वर्ड यूज होगा इसके पीछे, OH अल्कोहल इसके नाम के पीछे ओन लगाएंगे हम, CN नाइट्रिल इसके नाम के पीछे नाइट्रिल यूज होता है वर्ड, OR ईथर फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है, OR ऑक्स ये आर कार्बन की चेन, कार्बन की चेन के लिए वर्ड क्या यूज होता है एल्क, ऑक्सी जैसे एक कार्बन है CH3O मिथोक्सी, दो कार्बन इथोक्सी। नेक्स्ट है एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप यहां से देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहां कार्बन की जो चेन होगी वो ये वाली जो कार्बन की चेन होगी वो एल्काइल, और इसके इधर जो कार्बन की चेन होगी ठीक है यहां ब्रेक हो गई है, यहां से जो कार्बन की चेन कनेक्टेड होगी उसके साथ क्या लगाएंगे एल्कोएट, जैसे सपोज करिए दो कार्बन है तो इथेनोएट, अभी हम सब करके देखते हैं एक-एक को, दिस इज कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन अमाइड एल्कोहल नाइट्रस ईथर एस्टर, ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम यहाँ कंसीडर करेंगे। देखिएगा मैं दो दो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, बाकी के तीन तीन एग्जांपल्स आप करेंगे हर किसी के, ठीक है, दो मैं बताऊंगी तीन आप करेंगे खुद से। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक लिया था, उसकी एक चेन फ्री थी, उसको मैंने एच पर यूज कर लिया है, यहाँ पर इस चेन ये एक वन फ्री था वहां पे एच से सेटिस्फाइड हो गया है। दिस वन कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं मिथ सिंगल बॉन्ड जो एन, और इसके लिए वर्ड क्या आया था ओइक एसिड, ठीक है, तो मिथेन का एन लगा के मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी ओइक एसिड लाइक दिस। अब नाउ इट्स नेम इज मिथेनोइक एसिड, अब इसमें यहाँ पर एच से लगा के सी से कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, अब इस सी का एक बॉन्ड है और बाकी तीन बॉन्ड फ्री है, वन टू एंड थ्री, मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा सी एच थ्री लाइक दिस, तो इट हैज टू कार्बन, इट सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, ठीक है, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इनके सेटिस्फाइड कर लेंगे और बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से अब आप बनाएंगे। नेक्स्ट एल्डिहाइड का बता दे रही हूँ, एल्डिहाइड देखिएगा, दिस इज एल्डिहाइड, इसका एक बॉन्ड फ्री था, मैंने एच कनेक्ट किया जैसे वहां किया था, इट्स नेम इज मीथेन, ए की जगह क्या लगाऊंगी अल, मीथेन अल, एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल, ठीक है, अब मैंने यहाँ एक कार्बन ले लिया है तो ये क्या बन गया मीथेन अल, ठीक है, ऐसे आप तीन कार्बन ले लीजिए तो क्या होगा प्रोपेनल, चार कार्बन ले लीजिए ब्यूटेनल, इस तरीके से आप पांच पांच मेंबर्स बनाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कीटोन्स, देखिए कीटोन्स
थ्री, यानी कि पिटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का, तीन कार्बन का पहला मेंबर है, यानी कि इट इज सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। इट्स नेम इज प्रोपेन, नाउ आ गया प्रोपेन टू ओन, क्योंकि कीटोन दूसरे कार्बन पे यहाँ पर ओ है, तो क्या बोलते हैं प्रोपेन टू ओन। ठीक है, अब आप इधर कार्बन की चेन बना लीजिए, उधर बना लीजिए, व्हाट एवर लाइक दिस। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे और इट में भी लाइक दिस। ओके, जैसे यहां पे 1 2 3 3 में सी यू आ रहा है, तो इट विल बी पेंटेन 3 4। आप यहां ना लेके अगर यहां ले दें, इट विल बी पेंटेन 2 4, यानी पोजीशन मेंशन कर देंगे, व्हाट एवर जो भी आप ले रहे हैं इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन। नाउ आगे देखते हैं, लेट्स सी अल्कोहल मैंने, ठीक है, इसके एच पूरे करते हैं लाइक दिस। यहां पर इट विल बी सी एच थ्री ओ एच, एक कार्बन के लिए क्या आते हैं मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ओल, लाइक दिस मिथेनोल। ठीक है, आप ऐसे सीधा नहीं लिखा जाता, तो पहले आप ऐसे बना लिया करें और फिर ऐसे लगा के बंद कर दिया करें इसको। जैसे प्रोपिनोल बनाना है ना आपको, वन प्रोपिनोल, ब्यूटेनोल बनाना है, ब्यूटेनोल बन गया। मैं चाहती हूँ कि मैं वॉच को यहां भी लगाना चाहती हूँ, वॉच को यहां लगाना चाहती हूँ, काउंटिंग शुरू कर दो, फिर वही प्रोसीजर शुरू होगा काउंटिंग। फंक्शन ग्रुप के इधर से काउंटिंग शुरू करनी, जिधर से नंबर का माइनर में यहां से काउंटिंग शुरू करती, 1 2 वॉइस को 2 नंबर आ रहा है, इधर से काउंटिंग शुरू करती तो 1 2 1 3, तो उधर से काउंटिंग शुरू करनी है आपको, जिधर से फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो मैं यहां से काउंटिंग शुरू कर रही हूं 1 2 1 3 4। इट्स नेम विल बी ब्यूट ए टू ऑल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी है, अगर वो फर्स्ट कार्बन पे है तो फिर हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट कार्बन से अगर कहीं भी अगर एडजस्ट करता है, सेकंड कार्बन फोर्थ फिफ्थ कहीं और एडजस्ट करा, तो देन वी विल मेंशन द पोजीशन आल्सो एंड इट्स नेम विल बी ब्यूटेन टू ऑल। ओके, जैसे जस्ट लाइक दिस, नाउ इट्स नेम, अब इसको आप पहले से सेटिस्फाइड कर लेंगे, बदल के लिख लेंगे, इट विल बी सी एच थ्री सी एच जनरल समझा रही हूँ, इसलिए ऐसा लिखी हूँ आपको प्रॉपरली।
1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन है, इस तरीके से आप चेन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड सिर्फ इधर फ्री है, चेन इधर ही चलेगी, अंडरस्टूड। इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे नाइट्रस की। अब नाउ मैं आपको ईथर समझा देती हूँ। ईथर में देखिए ना, आर ओ आर, दिस इज ईथर, यहाँ कार्बन की चेन होती है, देखिएगा ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है, अब चेन ब्रेक हो गई है, इट मीन्स एक कार्बन इधर कंसिडर किया जाएगा, एक इधर, एक को तो हम इसके साथ कंसिडर करेंगे, एक को ये मेन, जिसके साथ ऑक्सीजन होगा वो साइड चेन कहलाएगा और जो बच जाएगा वो मेन चेन कहलाएगा। अगर अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो कम वाले के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे हम, लाइक दिस, देखिए एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है, तो हम इसके साथ ऑक्सीजन यूज करेंगे और ये मेन चेन हो जाएगा, तो पहले साइड चेन लिखी जाती है फिर मेन चेन। अब जैसे यहाँ पे तो बराबर है, तो ये जगह मिथ ऑक्सी, यानी कि जो ऑक्सी वर्ड है इसको कम वाले कार्बन के साथ लेना है और ये हमेशा साइड चेन में कंसिडर होगा, अब ये मिथ ऑक्सी और मेन चेन रही मिथ एन, ओके। जैसे यहाँ पर है अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, कम वाले के साथ ऑक्सी, ज्यादा वाला मेन चेन, अब ये हो गया मिथ ऑक्सी इथ एन, ठीक है, लाइक दिस। अब आप सपोज करो मैंने यहाँ पे CH2 CH3 ले लिया, अब इसने में भी इथ ऑक्सी इथेन, ठीक है, इस तरीके से आप बनाने चले जाएंगे, पांच मोल बस इसके बना लेंगे आप, जैसे बेंजीन का बेंजीन के साथ में लेते हैं, एस्टर, दिस इज एस्टर, ओके, लेट्स सी दिस, देखिएगा ये दो कार्बन कॉन्टिन्यूटी में है और यहाँ ऑक्सीजन आने से ये चेन ब्रेक हो गई है, ठीक है, यहाँ ये चेन ब्रेक हो गई है, तो ये साइड चेन है और ये आपकी मेन चेन कंसीडर की जाएगी, ये मेन और ये साइड, हाँ, क्योंकि ये कार्बन से कनेक्ट नहीं है ना, तो हम इसकी पोजिशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको सीधे लिख देंगे मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल एक कार्बन, और आप इसका नाम लिखेंगे, इसमें दो कार्बन है, तो इथ एन और इसके लिए वर्ड क्या था, ओ ए ओ ए, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट, लाइक दिस, दिस इज थ्री कार्बन्स, प्रोपेनोएट और ये मिथाइल पहले रह जाएगा, दिस इज मिथाइल प्रोपेनोएट, इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे, आप इधर ले सकते हो लाइक दिस, इट इज इथाइल प्रोपेनोएट, इट मे बी इथाइल सॉरी प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ओके, यहाँ ज्यादा कार्बन की आ सकते, डजंट मैटर, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड नहीं है फंक्शनल ग्रुप से, उसको हम साइड में ही लिखते चलेंगे और ये मेन बना जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैचेबल है, इसमें कम कार्बन है, इसके केस में ऐसा होगा, ओके, दीज आर फॉर सम नेमिंग्स, नेक्स्ट अमीन्स, अमीन्स क्या होते हैं, एनएच2 ग्रुप अमीन्स होता है, यहाँ पे चेन फ्री है, इस चेन से कार्बन कनेक्ट करेंगे हम, लाइक दिस, इट विल बी CH3 NH2, इसमें विल बी मीथेन अमीन, मीथेन एक कार्बन में एन, ई की जगह क्या बड़ी यूज करेंगे अमीन, इसमें विल बी मीथेन अमीन, दो कार्बन लेना है आपको इथेन अमीन, तीन कार्बन लेना है आपको प्रोपेन अमीन, लाइक दिस, तरीके से आप अमीन की नॉर्मल फ्रेक्चर कर लेंगे, तो दिस इज दिस दीज आर सम बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब मैं आपको बताते हैं रिएक्टिविटी क्या है फंक्शनल ग्रुप की, किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, अब आप जो नेमिंग करेंगे आगे जो करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम नेमिंग करेंगे उसमें मैं आपको कराने वाली हूँ बेटा कि दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ सकते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एक साथ आ सकता है, सब एक साथ आ सकते हैं, तब हम नेमिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सीरीज याद होनी चाहिए, वो सीरीज में आज करा दे रही हूँ जिससे कि आप अगले आने वाले लेक्चर तक याद कर ले उसको और फिर आप जल्दी जल्दी उसको करना शुरू कर दे। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, सबसे ज्यादा अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उसमें से प्रायोरिटी मिलेगी किसको,
उसमें से एक ये तो प्राइमरी है इसमें, यानी कि मान लो मेरे पास एडियोकिडोन आ गया तो मैं प्रेफरेंस इसको दूंगी एंडिहाइड को, ठीक है। कैसे देते हैं, कैसे करते हैं, हम लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। फिलहाल तो आप मुझे ना ये सीरीज याद करके रखेंगे, मुझे सबसे पहले अगर ये सीरीज याद है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने आप से क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। और ये लेक्चर ये सीरीज याद नहीं है तो आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाने वाला है, इसके बिहा पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यकीन मानिएगा इसको कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा रेट है, उससे कम सल्फोनिक एसिड है, उससे कम एस्टर है, उससे कम एसिड हैलाइड्स है, उससे कम अमाइड्स है, ये सब रेटिंग अभी मैंने नहीं बताया, बता देंगे जैसे आएगा। अमाइड्स है, उसके बाद नाइट्रिल्स है, उसके बाद एल्डिहाइड है, उससे कम कीटोन्स है, उससे कम एल्कोहल्स और फिनोल्स भी आता है, देन अमीन्स है, उसके बाद एल्कीन्स और सबसे कम रेट के हैं एल्काइन्स, ठीक है।